पब्लिक सेक्टर स्पोर्ट प्रमोशन के बैनर तले 2 फरवरी से 6 फरवरी तक चंडीगढ़ T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली के वसंतपुर में स्थित ONGC बिल्डिंग में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें टूर्नामेंट के लिए ट्रॉफी का अनावरण किया गया। इस अवसर पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ईशान शर्मा, मुनाफ पटेल और प्रवीण कुमार भी उपस्थित थे। आपको बता दें कि ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर T20 टूर्नामेंट 2 फरवरी से शुरू होकर 6 फरवरी तक चंडीगढ़ में संपन्न होंगे। जानकारी में बताया गया है कि ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर के 29 संगठन हैं जो कि बोर्ड के मेंबर हैं। इस बार चंडीगढ़ के टूर्नामेंट के लिए विजेता के लिए 4 लाख, रनर अप के लिए 2 लाख और सेमीफाइनल लिस्ट के लिए 50,000 प्राइस मनी रखी गई है। मेरा नाम है वीके महेंद्रू, मैं ग्रुप जनरल मैनेजर हूँ ONGC में और ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड का जनरल सेक्रेटरी। हमने ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है कैश इंसेंटिव स्कीम, जो टीम जीतेगी उसको 4 लाख रुपए, जो रनर अप टीम होगी उसको 2 लाख रुपए और जो सेमीफाइनलिस्ट होंगे उनको 50,000 रुपए। फर्स्ट टाइम हमने इंट्रोड्यूस किया है, पर अगर ये सब एक्सपेरिमेंट बेस पे है ठीक रहा तो हो सकता है दोबारा इसका कैश अमाउंट बढ़ा भी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसका मेन पर्पस यही है कि यूथ जो अपकमिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको एक मौका मिले, नंबर 1 इंटरनेशनल नेशनल लेवल के खिलाड़ियों के साथ खेलने का, प्लस उनको खेलते हुए उनको एक मोटिवेशन मिले कि हमें भी इस लेवल पे परफॉर्म करना, बेसिक पर्पस इसका यही है। 15 टीमें ऐसी हैं एक्चुअली, जो पब्लिक सेक्टर स्पोर्ट्स बोर्ड है इसके 30 कंपनीज के मेंबर हैं, जिनमें से 15 कंपनी ऐसी हैं जिनकी अपनी क्रिकेट टीम्स हैं। ये वो टीमें हैं उनकी पार्टिसिपेंट को आइडेंटिफाई करके फिर हम उनको पहले स्कॉलरशिप तो देते हैं, और अगर हमें लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर उनको हम जॉब भी ऑफर करते हैं। ये जो टूर्नामेंट हो रही है सर, अप्रिशिएट किया मैंने कि बहुत अच्छी चीज़ है, कि जो सबसे अच्छी चीज़ ONGC कर रही है वो ये कर रही है कि जो अच्छे छोटी जगह के लड़के होते हैं उनके पास क्या कहते हैं कि फैसिलिटीज़ नहीं होती, बट ONGC उनको स्पॉन्सर कर रही है और उनके लिए कि मतलब दूसरी एसोसिएशंस के पास भी जाके उनको बोल रही है कि आपको अगर ये टैलेंट अच्छा है तो आपको उनके साथ जुड़ना चाहिए, उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, तो ये काफ़ी अच्छी ये पहल बहुत अच्छी है। क्योंकि मैं भी ये टूर्नामेंट खेल चुका हूँ बहुत पहले, और जो भी नए लड़के आ रहे हैं अभी जैसे सैयद मुश्ताक अली T20 आ रही है, तो उससे पहले इतना बड़ा टूर्नामेंट होना बहुत अच्छी चीज़ है। और ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें प्राइज मनी भी है और बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है जिसके साथ काफ़ी बड़े प्लेयर्स जुड़े हुए हैं जिसके पास जॉब है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये टूर्नामेंट हर साल यही टाइम पे हो। जैसे T20 हो रही है तो T20 के पहले स्टेट वालों को भी ये प्लेटफॉर्म मिलता है और फ्रेंचाइजी को भी प्लेटफॉर्म है कि भाई बच्चे परफॉर्म करें और वो लोग देखने आए और वहाँ से सिलेक्ट हो, तो ये पहल बहुत अच्छी है। ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, 1987 से हो रहा है और मैच को भी लेकर ये टूर्नामेंट हमेशा से अच्छा रहा है। क्या कोई भी टूर्नामेंट नए बच्चे के लिए तो हमेशा अच्छा रहता है, उसको प्रोत्साहन मिलता है। और सबसे बड़ी बात, इस टूर्नामेंट में जो प्राइज मनी है वो 4 लाख रुपये है पहली टीम को, दूसरी टीम को 2 लाख रुपये है, और सबसे बड़ी बात सेमीफाइनल में हारने वाली को 50,000 रुपये। तो ये सब चीज़ यंग बच्चों को भी अच्छा लगता है कि भाई 4 लाख रुपये जीतेंगे वो सब में बटेगा मुझे भी मिलेगा, तो ये सब चीज़ है।